नाशिक लोकसभा महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार राजाभाऊ प्रकाश वाजे यांच्या प्रचारार्थ जनसंवाद मेळाव्याचे आयोजन. महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजाभाऊ प्रकाश वाजे यांच्या प्रचारार्थ उदय बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना गटाचे नाशिक जिल्हा प्रमुख सुधाकर भाऊ बडगुजर यांच्या मार्गदर्शनाने आणि शिवसेना उपमहानगर संघटक निलोफरताई शेख यांच्या अथक प्रयत्नाने भारतनगर वडळा रोड नाशिक येथे जनसंवाद मेळाव्याचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भारतनगर परिसरातील विशेष करून महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. तसेच महाविकास आघाडीचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी यांच्यासह इतर सामाजिक पक्षांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या संवाद मेळाव्याचे प्रास्ताविक अभिजित गोसावी यांनी केले तर निलोफरताई शेख यांनी आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानून स्वागत केले. यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी जनसंवाद मेळाव्यास जमलेल्या महिलांना मार्गदर्शन केले. तसेच निलोफर शेख यांनी येत्या 20 मे रोजी मशाल या चिन्हावर मतदान करून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना पाठिंबा द्या असे आवाहन जनसंवाद मेळाव्यास उपस्थित महिलांना केले. महिलांनी निलोफरताई शेख यांच्या या संवाद मेळाव्याचे विशेष कौतुक करून टाळ्या वाजवून महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार राजाभाऊ वाजे तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ हे च्या घोषणा देऊन निलोफरताई शेख यांनी सुधाकर भाऊ बडगुजर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेल्या संवाद मेळाव्याचे कौतुक केले. यावेळी माजी उपमहापौर प्रथमेश गीते, पंकज जाधव, शिरवुद्दीन कोकणे, गुलजार कोकणे, भरत शेठ कोकाटे, ॲडव्होकेट अभिजित गोसावी, नविंदर सिंग अलुवालिया, बाळाभाऊ कोकणे, ऋषी वर्मा, नदीम मनियार, अमोल लांडगे, कीर्ती निरगुडे, स्वाती पाटील, शोभा पवार, अजिम सय्यद, अभिजित गोसावी, स्वप्नील घिया, सचिन बाडे, शहा गुप्ता इनामदार, अल्मा सय्यद यांच्यासह संवाद मेळावा यशस्वी करण्यासाठी ईशा शेख, निलोफर हसन, फरीदा पठाण आणि परिसरातील महिलांचे सहकार्य लाभले. उद्धव साहबने राजाभाऊ वाजे के लिए जो उम्मीदवारी चुनी है और उद्धव साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है वो जो बोलेंगे तो उनका फैसला हमारे सर आंखों पे, उनका हुक्म हमारे लिए सर आंखों पे रहेगा. उन्होंने जब राजाभाऊ वाजे को उम्मीदवारी के लिए चुना तो इसके लिए सभी सहमत है. और आज आप पूरे नासिक जिले का वातावरण देख सकते हो कि राजाभाऊ वाजे को लोग इतना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा उम्मीदवार है कि लोगों का ये बोलना है कि अगर अस्पताल में कोई पेशेंट अगर जबरमेंट होता हो तो वो पहले जाकर वहां बोलते हैं कि उसका पहले इलाज करो, बाद में देख लेंगे क्या है. यानी अगर इतना सर्वसाधारण, मैंने मतलब पक्ष में मैंने एक चीज सुनी थी कि एक रिक्शा चालक को भी अगर ये पक्ष चाहे तो आमदार खासदार बना सकता है. और ये सही में ये एक गुण है शिवसेना पक्ष में के राजाभाऊ वाजे को जो उम्मीदवारी दी है तो इसके लिए हमको ऐसा लग रहा है कि हम खुद उम्मीदवार है और उसके लिए हम खुद मेहनत कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि राजाभाऊ वाजे को इसीलिए उम्मीदवारी दी गई और इसीलिए चुना गया क्योंकि वो आम जनता के बहुत सारे काम करते हैं. लोगों के लिए मैं ये अपील करूंगी कि अगर सत्ता बदलती है तो संविधान बचेगा और संविधान अगर हमको बचाना है तो हमको राजाभाऊ वाजे को खासदार की में चुनकर लाना है. दूसरी बात हमको उद्धव साहब की सत्ता लानी है. और तीसरी बात मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोगों को अगर मेरी आज मुस्लिम माँ बहने भी यहाँ पर बहुत तादाद में आई थी, अगर एनआरसी सीए अगर ऐसी चीजों से बचना है तो मशाल पर आप मशाल चिन्ह पे 20 तारीख के दिन वोटिंग करो. भले कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार सत्ता बदलनी ही चाहिए. राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रचारार्थ निलोफर ताईने इथे सभा ठेवलेली आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही इथे आलात, त्याच्याबद्दल सतशा ऋणी आहे. एवढ्या महिला आलेल्या आहेत, एवढा जनसामान्य लोक सगळे आलेले आहेत. आज राजाभाऊंविषयी जर बोलायचं झालं, आता आम आदमी पार्टीचे जे पदाधिकारी होते ते बोलले की राजाभाऊ एक सामान्य माणूस आहे. तुम्ही प्रत्यक्षात भेटलात, तुमचं सामान्यांचं सगळ्यांचं ऐकून घेतील. महत्वाचं आहे जे आजकाल चाललेलं आहे राजकारणामध्ये, जी जी तेढ निर्माण करण्यात आली आहे हिंदू मुस्लिम समाजाची, ही आपण मोडीत काढायची. हेच ते भांडवल करून राजकारण करून जे काही मोठ्या मताने जे निवडून यायचं असतं भाजपाचं राजकारण, हे आपल्याला संपवायचं आहे. 50 खोके
50 खोके हा आणि हे काय आहे, हे बिन डोक्याचं सरकारी। आज यहाँ पर भारत नगर में आप लोग सब नीलोफर बाजी ने जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है राजा भाऊ वाजे, उनके लोकसभा इलेक्शन जो 20 मई को अपने नासिक में होने वाला है उसके लिए ये सभा आयोजित की गई है। मैं नीलोफर बाजी और साथ में जितने भी उनके शिवसेना के पदाधिकारी हैं, नीलोफर बाजी जो आपने इतना अच्छा यहाँ पर गर्दी जमा है और आपने ये प्रोग्राम को कामयाब किए, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही में उनकी जो इतनी टीम है सब यहाँ पर आई है, सब लोग पार्टी है जो हमारे महाविकास आघाड़ी के, उनको भी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हम लोग सब मिलके कंधे को कंधा लगा के काम करेंगे। बस आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आने वाली 20 मई को आप पहले निकल जाइए, दोपहर में निकलेंगे, शाम में निकलेंगे, धूप है ऐसा सोचो मत, आप बराबर सवेरे वोट कीजिए और आप लोग सब यहाँ पर कसीर तादाद में आए और यहाँ पर जो नीलोफर बाजी ने उनका शुक्रिया अदा करता हो और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज नीलोफर शेख मैडम ने जो कॉर्नर सभा का आयोजन किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। राजा उवाजे काय व्यक्ती आहे, सर्व समाजाच्या सर्व धर्माच्या लोकांसाठी साधा आवाज जरी आला तर धावून जाणारा कार्यकर्ता कोण असेल तर राजा।